गाइज गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम गंजन। सो गाइज इन्होंने लाए हैं बच्चों के लिए पकौड़े, ये मूंग के दाल के पकौड़े, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है और हमारे यहाँ पे पास ही में बहुत अच्छे मूंग की दाल के पकौड़े मिलते हैं, तो वो अभी बच्चे खा लेंगे। और हाँ, हमने आज बहुत सारी क्लीनिंग की है, जैसे कि ये पूरा लिविंग रूम क्लीन किया है, मैं आपको बाद में दिखाई दूंगी कि कैसा लुक लग रहा है अब, मतलब सारी चीजें क्लीन हुई है, जैसे कि पूरा क्लीन हो गया है, जैसे कि मैंने पूरा ये भी क्लीन कर दिया है, क्या बोलते हैं, तो ये भी मशीन में डाल दिया था, ये भी क्लीन हो गया है, और उसके बाद कवर क्लीन हो गया है, उसके बाद कुशन्स क्लीन हो गया है, पूरा वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लिया है सब कुछ, कर्टन्स डाल दिए हैं, सूख रहे हैं कर्टन्स, तो अभी तक लगाना बाकी है, वो लग जाएंगे तो आपको पूरा लुक दिखा दूंगी कैसा लग रहा है अभी। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे हो आप सभी लोग, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर अभी कामों में लग जाती हूँ बाकी के, और डिनर में आज कुछ स्पेशल बनने वाला है क्योंकि आज संडे है और मैं नहीं बनाने वाली हूँ आज, ये बनाने वाले हैं, इनकी ड्यूटी है, रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी पक्का। तो यहाँ पर कर्टन्स भी ड्राई हो गए थे, हम लोग अंदर लेके आए थे और रिंग्स जो है इस वाले कर्टन्स के ही निकल गए थे, तो इसी वजह से हम लोग इसके लगा दे रहे हैं, बस लगा के अच्छे से लगा दूंगी मैं रॉड में। और वैसे आज बहुत सारी क्लीनिंग हुई है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है आज, बहुत क्लीनिंग की है आज, और ये मैंने स्टिक्स वॉश किए थे, एक्चुअली ये स्टिक काफ़ी दिनों से ऐसे ही धूल खाते हुए पड़े थे, तो इसी वजह से वॉश किए थे और ये अभी अच्छे से जमा के रख रहे हैं, ये वो जो पॉट है आपको पीछे दिख रहा है उस पॉट में रखने हैं। और बस यहाँ पर ये जो कर्टन्स है वो मैं रॉड में लगा दूंगी और उसके बाद आप लुक देख लेना लिविंग रूम का, बहुत अच्छा आ रहा है, अब क्लीन घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, इतना मतलब कितने दिनों से हम लोग ऐसे घर में रह रहे थे, ऊपर ऊपर से क्लीन कर रहे थे और बस ऐसा घर, क्लीन घर काफ़ी दिनों से हमें देखने के लिए नहीं मिला, तो अभी अच्छा लग रहा है, जब भी हम लोग लिविंग रूम में आ रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो आज सब कुछ क्लीन हो गया है, सब कुछ नहीं बोल सकती हूँ बट लिविंग रूम तो अच्छे खासा क्लीन हो गया है, मुझे अच्छा लग रहा है यार, आज दिमाग का टेंशन खत्म हो गया है मेरे तो, मतलब जब हम ना क्लीन घर देखते हैं ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे ही मेरा सब कुछ अभी क्लीन दिखेगा ना, एक 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 कर रही हूँ, सब कुछ क्लीन दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भी अभी मेस पड़ा है, ये मेस ना तब जाएगा जब मेरा पूरा घर क्लीन हो जाएगा, तब ये यहाँ का मेस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उधर का मेस निकाल रही हूँ ना तो यहाँ पर ही ला के रखते हैं, जैसे कि गत्ते वगैरह रहते हैं, ये सब कुछ रहता है। और हाँ, ये जो टीन है वो भी डालने बाकी है यार, काम ख़त्म नहीं होता है तो दूसरा काम स्टार्ट करने के लिए मन भी नहीं कर रहा। यहाँ पर मार लेती हूँ झाड़ू बाहर, क्योंकि बाहर भी पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, बहुत सारा कचरा हो जाता है, एक साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपको तो पता ही है, और आप देख रहे हो जो टाइल्स है हमारी उसका कलर भी नज़र नहीं आ रहा है, तो वो इसी की वजह से कि साइड में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके जो सीमेंट है वो वहाँ पर गिरता है। देखा जाए तो यहाँ पर बहुत कम है, इस साइड में, वहाँ पर जो जिस साइड में मैंने प्लांट्स लगा के रखे हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब टाइल्स का कलर भी दिखाई नहीं देता है कि कौन से कलर के टाइल्स है। हमने सोचा है कि ये कंस्ट्रक्शन एक बार हो जाए उसके बाद हम लोग एसिड डलवा के फिर वो क्लीन ही करवाएंगे, तो इसी वजह से हम लोग अभी इतना टेंशन नहीं ले रहे हैं, ऊपर ऊपर से सिर्फ पानी डाल के क्लीन कर रहे हैं बस। यहाँ पर आपको तो पता ही है झाड़ू मारने की मेरी ड्यूटी है और इनकी पानी डालने की ड्यूटी है, तो ये आज घर पर है दोपहर से, तो इसी वजह से काम करने में हेल्प कर रहा है मेरी, तो बस आज मैंने झाड़ू मार लिया, कभी कभी मार लेती हूँ पानी बट बहुत कम मारती हूँ मैं पानी, इनको इनका क्या होता है कि ये अच्छे से पानी मारते हैं और उसके बाद पौधों को भी पानी दे देते हैं शाम के टाइम पे।
बस यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे करनी है दिया बत्ती, तो दिया बत्ती कर लेती हूँ, थोड़ा सा अगरबत्ती वगैरह जला देती हूँ, तो अच्छे से मन प्रसन्न रहता है इसकी वजह से। थोड़ा शाम को दिया बत्ती करते हैं, झाड़ू वगैरह करते हैं, पोछा भी करती हूँ मैं तो शाम को, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिल जाती है इस टाइम में, एक सुकून मिल जाता है दिल को। तो इसी वजह से ये अगरबत्ती, धूप बत्ती और थोड़ा सा हम लोग कभी कभी जो हमारे साइड में गौरी बोलते हैं उसे, वो गोबर की बनती है, वो भी जलाते हैं, उसके ऊपर राड़ भी डालते हैं। तो ये सब कुछ हम करते हैं शाम को ताकि दिल को थोड़ा सा सुकून मिले। तो गाइज बहुत लोग नाराज हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई थी जब इन्होंने मुझे वॉच गिफ्ट की थी, जो 2 दिन के बाद आई थी वो वॉच, जो बर्थडे के लिए गिफ्ट दी थी इन्होंने, तो वो वॉच बहुत लोगों को पसंद आई थी और मैंने डिटेल में नहीं बताया था उसके बारे में, और बहुत से लोग नाराज हो रहे कि दी आप आज भी नहीं दिखाया, दी आप आज भी नहीं दिखाया आपने, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ वो वॉच। और इसके साथ इनकी भी ऑर्डर की थी, आपको उसी दिन दिखाया था, तो वो ये है वॉच और मेरी ये वाली वॉच है। तो ये वाली वॉच ना मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ सबसे पहले, तो ये वॉच जेब्रोनिक ब्रांड की वॉच है, और ये वॉच मैंने इसीलिए ली थी कि सेम टू सेम ये पूरी डुप्लीकेट मतलब कॉपी की हुई है एप्पल वॉच की पूरी कॉपी है, मतलब दूर से देखने से पता नहीं चलेगा कि ये एप्पल वॉच है या जेब्रोनिक की वॉच है। तो मेरा पहले एप्पल वॉच लेने का मन था, फिर बाद में मैंने सोचा कि इतनी महंगी लेके क्या करूँ, खराब हो गई तो क्या करूंगी, और इसी वजह से मैंने फिर उसमें से दिमाग निकाल दिया, तो मैंने ये वॉच ली। तो ये जेब्रोनिक की वॉच है और बहुत प्यारा लुक देती है, मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ, आप देखो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, और सेम टू सेम कॉपी है तो सेम टू सेम एप्पल की जैसी दिखेगी, तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और इसमें मैंने व्हाइट कलर का बेल्ट लिया है, तो मुझे तो व्हाइट कलर का इसीलिए चाहिए था कि मेरा कोई भी आउटफिट हो उस पर मैच हो जाएगी। और जैसे स्मार्ट वॉच तो ऐसा है कि हम लोग हमेशा के लिए हाथ में रखते हैं, तो इसी वजह से कोई भी आउटफिट हो, चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, तो उस पर सूट हो जाए, तो इसीलिए मैंने ये वाली ली है। और इस तरह से इसका ये आता है, आउटर बॉक्स आता है जेब्रोनिक का, ये मैंने डाल भी दिया था, तो ढूंढना पड़ा आप के लिए क्योंकि मुझे दिखानी थी आपको ये वॉच। तो ये है मतलब इसका कोड, और ये मैं आपको इसका लिंक ही दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। ये है वो वॉच, और उसके बाद इन्होंने भी मतलब इनके लिए भी वॉच ऑर्डर की थी, तो ये मैंने नॉइज की ऑर्डर की थी इनके लिए, तो इनके 2 दिन पहले ऑर्डर की थी, और उसके बाद मैंने मेरा मूड चेंज हो गया था, तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे वॉच ही दे दो बर्थडे पे, तो इसी वजह से इन्होंने मुझे ये दी। ये वाली वॉच है नॉइज की, इसका आउटर बॉक्स इस तरह से है, ये देखो इस तरह से आउटर बॉक्स है इसका, और कलर फिट प्रो 2 ये वॉच है ये, और इनकी वॉच भी बहुत ज्यादा अच्छी है, देखो इस तरह से है, मतलब अभी काफी दिनों से ये रेगुलर पहन रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और सारे फीचर्स है जो स्मार्ट वॉच में आपको चाहिए वो सारे फीचर्स है इसमें, तो इसीलिए इनकी भी वॉच मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बट मैंने अपने लिए व्हाइट कलर चूज किया था, तो इसी वजह से इनके ब्रांड में व्हाइट कलर नहीं था, तो मैंने ये वाले ब्रांड से ले लिया, और ये मुझे सेम टू सेम कॉपी लगती है, बहुत अच्छी लगती है दोनों भी वॉचेस। बट इसका ये है कि इसका जो है ये बेल्ट ऐसे घूमता है, मतलब यहाँ पर वो स्क्रू बोलते हैं ना वो दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये अटैच है पूरा का पूरा, तो ये घूमेगा नहीं, सेम टू सेम मैंने बोला ना कि आपको एप्पल वॉच की कॉपी है। इनमें से आपको कोई भी वॉच परचेस करनी है तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, मुझे तो पर्सनली दोनों भी वॉच पसंद आई, आप डेफिनेटली दोनों भी वॉच में से कोई भी वॉच अगर आपको परचेस करनी है तो आप परचेस कर सकते हो। और आपको लिंक चाहिए होगा क्योंकि आप डेली लिंक मांगते हो कि दी आपकी वॉच का लिंक दो, दी आपकी वॉच का लिंक दो, आज भी नहीं दिखाई दी आपने वॉच, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ आप लोग, इससे पहले मैंने बहुत 3-4 महीने शायद पहले मैंने ये वाली वॉच ली थी अपनी, जो है मैंने मुझे पहनने का भी टाइम नहीं मिला, आप देखो वैसा के वैसा ही है, मतलब ये देखो इसको टैग भी वैसा के वैसा ही है, और सब कुछ वैसा है, इसके ऊपर की पॉलिथीन भी मैंने निकाली नहीं है अभी तक, क्योंकि पहनने का टाइम ही नहीं मिला मुझे ये वॉच, बाहर गई नहीं और पहनने का टाइम नहीं मिला, तो इसी वजह से मेरा मूड चेंज हो गया था इसके टाइम पे, क्योंकि मैंने बोला कि यार नहीं मैं इतनी महंगी वॉच लेके क्या करूंगी, तो इसीलिए जैसे मैंने एप्पल नहीं ली। तो ये देखो टाइमेक्स की वॉच है, ये भी बहुत बहुत प्यारी वॉच है, इसका भी लुक इतना प्यारा आता है ना, ये देखो मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ, ये भी वॉच बहुत ही प्यारी वॉच है,
मुझे तो देखते ही पसंद आ गई थी तो मैंने ये ऑर्डर कर दी थी। ये 3-4 महीने पहले ऑर्डर की है बट अभी भी आप लोग इसकी लिंक मांगते हो, इसी वजह से मैंने सोचा आपको ये एक वीडियो में दिखाई देती हूँ सारी की सारी वॉचेस मेरी, और आपको लिंक भी दे दूंगी उसके। तो मतलब आप बार बार उसी चीज के लिए नहीं बोलोगे। तो ये देखो ये वॉच है वो, और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वॉच, और ये वॉच भी मेरी। अगर आपको कोई भी वॉच परचेस करनी है तो आप परचेस कर सकते हो डेफिनेटली। मतलब आपके हस्बैंड के लिए अगर लेनी हो तो आप इस तरह से ले सकते हो, आपके लिए लेनी हो तो आप यही लेना, मुझे तो ऐसा लगता है। जिसको ब्लैक पसंद है वो मतलब ब्लैक बेल्ट या ऐसे इस टाइप से लुक पसंद है तो आप ये ले सकते हो, बट मुझे तो ये पसंद है। तो ये है मेरी 2 वॉच और ये इनकी वॉच है। तो आज मैंने आपको दिखा दी, लिंक भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। सेपरेट भी लिंक मिल जाएगा और एक माय हॉल स्टोर का भी लिंक मिल जाएगा। तो उस पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो उस पर ये दोनों वॉच के लिंक भी मिल जाएंगे, मतलब सेपरेट सेपरेट लिंक क्लिक करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या डाला ये तो बताओ। चिकन है, उसके बाद ये है क्या, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये कॉर्नफ्लावर है। फिर रुको रुको रुको, मैं ओपन करती हूँ आपके हाथ पर। आप डाला करो, मैं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप ही करो, आपकी ड्यूटी है आज। करो। हल्दी और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, और इसे मैरिनेट करने के लिए रख देना है। दही वही तो नहीं डालना है ना? डालना है, हाँ दही डाल देना है, और ये थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है इन्होंने, और फिर ऐसे छोड़ देना है। नमक डालना नहीं है क्या? नमक लास्ट डालूंगा। अच्छा लास्ट में नमक डालना है। वो नीचे वाला कंटेनर, नहीं नहीं वो ग्लास वाला, नीचे स्क्वायर वाला। चलो अब कर्ड थोड़ा सा ही बचा है, क्योंकि हम लोगों ने आज कर्ड खाया है उसके साथ, रोटी के चूड़े के साथ। रोटी का चूड़ा बनाया था आज, क्योंकि काफी सारी रोटियां रात की बची हुई थी, और कल मैंने रात को खाना ही नहीं खाया था। रात को भूख लगी थी, मतलब कितने लेट भूख लगी मुझे। मैं सोच रही थी कि अभी कुछ खाऊ क्या, खाना खाऊ तो फिर उसके बाद सोना ही है। हाँ, उसके बाद सोना ही है, और फिर मैं सोच रही थी कि रात को खाने से फायदा नहीं है। फिर क्या किया मैंने, दूध लिया था हल्दी वाला, फिर सो गई थी, तो वो किया। और बस अभी आज रोटी का चूड़ा बनाया था, चूड़ा हम लोगों ने खाया है, उसमें से बच्चा भी है यहाँ पर, देखो इसके साथ भी दही खाया था हमने, तो सब लोगों ने रोटी का चूड़ा ही खाया है, क्योंकि काफी सारी रोटियां बच गई थी उसके साथ। एक मिनट आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या डाला है इन्होंने। इन्होंने तंदूरी मसाला डाला है कर्ड डालने के बाद, और इसे सारे चीजों को मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर मैरिनेट कर देंगे, रख देंगे। तंदूरी मसाला डाला, हाँ, और उसके बाद क्या डालना है? अभी थोड़ा पुदीना पत्ता डालूंगा, पुदीना पत्ता, और फिर रख देंगे। नमक डाल, और फिर कितने देर तक रखना है ये? आधा घंटा, आधे घंटे से 1 घंटे तक रखेंगे, और उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे बिरयानी। यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर इन्होंने ऐड किया है, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इनको कम लग रहा था तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया है। तो बस इसे फ्राई करना है इस चिकन को, अब ये मैरिनेट हो चुका है तो इसे फ्राई करेंगे, और उसके बाद क्या क्या करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ बाद में। बस इस तरह से फ्राई कर लेंगे, और आपको ऐसे खाना है तो आप ऐसे भी खा सकते हो, चिकन फ्राई हो जाएगा ये। और अगर आपको बिरयानी में डालना है तो बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब सादा डालने से अच्छा ही ये वाला डालो, ऐसे फ्राई करके बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी बिरयानी, मतलब एकदम बाहर रेस्टोरेंट जैसी लगती है इनके हाथों के बनी हुई बिरयानी। अब ये चिकन फ्राई को कलर देखो कितना प्यारा आया है, मतलब एकदम रेस्टोरेंट जैसा कलर आया है। तो इस तरह से आप वैसे भी खा सकते हो चटनी वटनी के साथ, और अभी जो आगे का प्रोसीजर होगा वो आपको बता दूंगी। यहाँ पर ये चिकन फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक्चुअली आज संडे था, बट क्या हुआ कि इनकी मैम नहीं आई थी आज। वैसे मैंने संडे को भी उसे बोला है कि आने के लिए घर पे आके वो ट्यूशन दे के जाती है बच्चों को, तो दोनों भी बच्चों को वो ट्यूशन दे के जाती है, 5-5:30 बजे वो आती है और ट्यूशन दे के जाती है। एक्चुअली बीच में मैंने बंद कर दिया था उसे, क्योंकि घर पे फर्नीचर का काम भी चल रहा था, और उसके बाद बच्चों की छुट्टियाँ भी थी, तो इसीलिए उसको बंद कर दिया था। अभी 1 तारीख से दोबारा से उसको आने के लिए बोला है, तो वो आ रही है और बच्चों को पढ़ा के जा रही है। दोनों भी एक साथ ही उसके साथ पढ़ लेते हैं। बाय। हाँ हाँ, ये देखो रोल कॉल जा रहे हैं, और जो रेसिपी है वो आपको ब्रेक के बाद मिलेगी, मतलब रोल कॉल से आने के बाद। यहाँ पर प्याज फ्राई कर लिया है, जो लंबा लंबा काटा हुआ प्याज है उसे फ्राई करना है, बस इस तरह से
ब्राउन होने तक, मतलब डार्क ब्राउन होने तक। उसके बाद यहाँ पर प्याज भी काट के रखा है, ये है पुदीना पत्ता। उसके बाद यहाँ पर टोमेटो है, ये सारे खड़े मसाले निकाल के रखे हैं। और ये मिर्च आदि आदि काट के रखी है, और ये चिकन फ्राई करके रखा है। यहाँ पर ये आ गया है रोल कॉल से और लग गया है किचन में काम करने के लिए। यहाँ पे देखो ये जो राइस है बासमती राइस, उसे वॉश कर लेंगे और उसका फिर उसकी ही बिरयानी बनेगी। तो यहाँ पर श्रीकांत भी इनकी हेल्प कर रहा है। देखो मज़ा आ जाता है जेंट्स को जब काम करते हुए देखते हैं ना, किचन में मज़ा आता है। देखो दोनों भी लगे हुए रहते हैं, जब श्रीकांत आता है ना तो श्रीकांत भी उनकी हेल्प कर देता है। मैं उस दिन कुछ नहीं करती हूँ जिस दिन इनकी ड्यूटी रहती है। देखो सिर्फ काट वाट के देने का काम करती हूँ, बट आज तो इन्होंने ही सब कुछ किया था। तो यहाँ पर सब खड़े मसाले वगैरह है, तो ये दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, और उसके बाद काली मिर्च, और ये जो हरी मिर्च थी जो बीच में से काट के रखी थी वो, और तेज पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल दी है। उसके बाद उस वो होने के बाद ये प्याज डाल दिया है जो वैसे ही काट के रखा था, लंबा लंबा काट के रखा था वो प्याज। और उसके बाद टोमेटो ऐड कर दिया है, तो टोमेटो भी ऐड करने के बाद अच्छे से चला लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे स्पाइसेस, थोड़े से जो हल्दी है, लाल मिर्च है, और बेसिक से मसाले, और उसके बाद धनिया पाउडर है वो करेंगे, और उसके बाद जो नमक वगैरह होता है, जो बेसिक से मसाले होते हैं जो हम लोग सब्जी में डालते हैं, वो ऐड कर देंगे। और इन मसालों को अच्छे से भून लेना है, थोड़ा सा नमक वगैरह भी ऐड कर दिया है इन्होंने, और अच्छे से भून लेना है इन मसालों को। उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है राइस जो हम लोगों ने वॉश करके रखा था। और ये ना इनके हाथों से बनी हुई बिरयानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसीलिए ये बिरयानी बनाते हैं। जब भी बिरयानी बनाते हैं तो यही बनाते हैं। और यहाँ पर जब राइस चलाते हो ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं चलाना है उसे, नहीं तो वो राइस टूटेंगे। और यहाँ पर बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं ऊपर से, शायद भूल गए थे बिरयानी मसाला ऐड करना उसमें, तो ये ऊपर से ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डालेंगे पानी, वैसे ये अंदाज से पानी डालते हैं, बट जैसे कि आपने एक कटोरी राइस लिया है तो आपको एक कटोरी पानी डालना है, एक या डेढ़ कटोरी, तो उसमें ही आपके राइस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कुकर में बना रहे हैं, थोड़ा सा बस वही जितने इन्होंने राइस लिए थे उतने ही उन्होंने पानी डाला, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और ये जो चिकन फ्राई करके रखा था वो उसमें ऐड कर दे रहे हैं उसी में ही। और उसके बाद इसके ऊपर से डालेंगे ये जो प्याज फ्राई करके रखा था वो ऊपर से डालेंगे। उसके बाद धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता ऐड कर देंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसमें बिरयानी में, तो इसी वजह से। और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे कुकर को, और एक विजल तक आपको रखना है, और उसके बाद निकाल लेना है। यहाँ पर बना रहा है पुदीना चटनी, तो पुदीना पत्ता, धनिया और लहसुन की कलियाँ, उसके बाद हरी मिर्च, और उसमें एक टोमेटो काट के डाल दिया है। उसके बाद नमक डाला है और चाट मसाला डालेंगे उसके बाद, और दही हो तो दही डाल देना, नींबू हो तो नींबू डालना। मेरे पास दही नहीं था इसी वजह से इन्होंने दही नहीं डाला, नींबू डाल दिया था। अब रेडी है हमारी पुदीना चटनी बिरयानी के साथ खाने के लिए। तो चलिए गाइस, हस्बैंड ने बना ली बिरयानी और अभी हम लोग खाने वाले हैं। श्रीकांत भी आया है क्योंकि श्रीकांत की वाइफ घर पे नहीं है, मतलब गौरी उसके मायके गई है, तो इसी वजह से उसको भी बुला लिया है खाने के लिए। गौरी नहीं खाती है नॉनवेज इसी वजह से। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। वाओ, बनने के बाद देखो कितना अच्छा कलर आया है और कितनी ज़्यादा फूल गई है। और देखना पूरे जो दाने दाने हैं राइस के, वो एक एक अलग अलग हो गए थे। उसमें थोड़ा सा ऊपर से घी डाल देना गरम करके, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बस यहाँ पर डिनर कर लेते हैं, बस गौरी को मिस कर रहे हैं क्योंकि गौरी की ही कमी है यहाँ पे। जब पिछली बार वो मेरे बर्थडे के दिन आई थी, उसके बाद आना ही नहीं हुआ उसका, क्योंकि अभी नई नई है शादी, तो इधर उधर घूमना हो रहा है, तो इसीलिए आना ही नहीं हो रहा है। अभी वो मायके गई है, तो इसीलिए आज भी नहीं आना हुआ उसका। चलो कोई बात नहीं, जब वो आ जाएगी मायके से, उसके बाद उसके साथ भी एक बार डिनर होगा। और आप लोग भी बोलते हो कि श्रीकांत भैया दिखते नहीं हैं, तो श्रीकांत भैया थोड़े से शादी होने के बाद बिजी हो गए हैं। अभी होता है शादी होने के बाद तो कुछ दिन इधर उधर घूमना ही होता है, उसी के चक्कर में सारा टाइम निकल जाता है। और बस अभी रेगुलर रूटीन में जब आ जाएंगे वो तो आना स्टार्ट कर देगा। वैसे वो बीच बीच में चक्कर लगाता है, बट उस टाइम मेरा शूट करना नहीं होता है क्योंकि वो शाम को आता है उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद, और उस टाइम मेरा व्लॉग खत्म हो चुका होता है, तो इसी वजह से मैं आराम से उससे बातें करते हुए बैठ जाती हूँ।
चलिए सब कुछ हो गया है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है और मैं सोच रही हूँ अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ। मिलती हूँ गाइज अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो रेड बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उससे ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेक कर लेना इंस्टा एक बार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।